क्या मामला था? ये थाना क्षेत्र कुंदरकी में एक बच्चे की डेड बॉडी मिली थी। इस संबंध में पहले जब जानकारी की गई तो यह प्रकाश में आया कि बच्चा धतिया का रहने वाला है और इसके गले काट करके हत्या की गई। इनके परिजनों द्वारा नामजद तहरीर दी गई, लेकिन जब विवेचना प्रारंभ की गई तो विवेचना से अभियुक्त नसीम का नाम प्रकाश में आया। नसीम जो मृतक है उसका चचेरा भाई है और इसकी पृष्ठभूमि में नसीम और मृतक दोनों के भाई एक दुष्कर्म के मामले में आरोपित थे। जो इस घटना का अभियुक्त है उसका भाई दुष्कर्म के आरोप में जेल जा चुका है और लड़की वालों के परिवार के ऊपर दबाव बनाने के उद्देश्य से और फैसला हो जाए इस उद्देश्य से नसीम ने अपने सगे चचेरे भाई की गला काट करके हत्या कर दी। कहाँ हत्या की थी ले जाकर के? ये नसीम जो मृतक है एक दुकान पर काम कर रहा था, उस दुकान पर ही अपने पहचान को छिपाते हुए किसी अन्य के माध्यम से उसको बुलवाया और ले जाकर के कुंदरकी बाईपास पर इसका गला काट दिया। पुलिस के सामने पूरा मामला किस तरह से सामने आया? पुलिस के द्वारा जब विवेचना प्रारंभ की गई तो ये जानकारी हुई और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से और हमारे एएसपी हाईवे श्री अनिल यादव, सीओ सलोनी अग्रवाल और थानाध्यक्ष कुंदरकी, सर्विलांस टीम प्रभारी नीरज, आप लोगों के द्वारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करते हुए, क्योंकि इस घटना में जो मर्डर की घटना है इसमें नसीम के द्वारा अपने आप को आई विटनेस बताया गया कि मेरे सामने जो पुराने अभियोग हैं उसके जो वादी हैं उनके परिजनों द्वारा हत्या की गई, जबकि हत्या इसके द्वारा खुद की गई थी और हत्या का दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके अपने आई विटनेस बन रहा था और इसके कब्जे से जिस आला कतल से हत्या की गई वो आला कतल बरामद हो गया है। घटना के दिन जो ये पहने हुए कपड़े और मृतक का जो मोबाइल था वो भी बरामद हो गया है। क्या नाम है सर लड़के का? लड़के का नाम जो है ये शेर मोहम्मद है।